नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। जम्मू कश्मीर में स्थानीय निकाय चुनाव के तीसरे चरण का मतदान संपन्न। जम्मू संभाग में 81% से अधिक और कश्मीर घाटी के उड़ी में 75% से ज्यादा मतदान। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने न्यायालय की कार्यवाही में हिंदी अथवा क्षेत्रीय भाषा के इस्तेमाल की अपील की। नेपाल के गुर्जा पर्वत आधार शिविर में भारी बर्फीले तूफान में 8 पर्वतारोहियों की मौत। जकार्ता पैरा एशियाई खेलों के आज अंतिम दिन भारत ने 2 और स्वर्ण पदक जीते, पदकों की कुल संख्या 72 हुई। और मलेशिया में सुल्तान जौहर कप जूनियर हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में ब्रिटेन ने भारत को 3-2 से हराया। समाचार संध्या के साथ मैं विमलेंदु पांडे। जम्मू कश्मीर में स्थानीय निकाय चुनाव के तीसरे चरण का मतदान आज संपन्न हो गया। इस चरण में कुल 365 उम्मीदवार मैदान में थे। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी शालीन काबरा ने बताया कि इस चरण में कुल 16.4% मतदान हुआ। हमारी संवाददाता ने बताया है कि जम्मू संभाग में सांबा जिले के 4 स्थानीय निकायों में कुल 81.4% वोट पड़े। जम्मू संभाग में सांबा जिले के बड़ी ब्राह्मणा नगर समिति में सबसे अधिक 85.73% मतदान दर्ज किया गया। अभी तक तीनों चरणों में कुल मिलाकर 41.9% मतदान हुआ है, जिसमें जम्मू संभाग में 68.4% मतदान दर्ज किया गया, जबकि कश्मीर संभाग में 6.7% मतदान हुआ। चौथे और अंतिम चरण का मतदान 16 अक्टूबर को होगा, जिसके उपरांत 20 अक्टूबर को मतगणना की जाएगी। आकाशवाणी समाचार के लिए जम्मू से आरके रैना। श्रीनगर से हमारी संवाददाता ने बताया है कि कश्मीर संभाग में औसतन 3.5% मतदान हुआ और उड़ी स्थानीय निकाय में सर्वाधिक 75.3% मतदान रिकॉर्ड किया गया। आज घाटी में श्रीनगर नगर निगम के 26 वार्डों सहित कुल 3 स्थानीय इकाइयों के 46 वार्डों में मतदान हुआ। जहां बारामुल्ला जिले की उड़ी म्यूनिसपैलिटी में 75% पोलिंग हुई है, वहीं श्रीनगर और मट्टन अनंतनाग में मतदान काफी कम रहा है। कुल मिलाकर घाटी में अब तक के तीनों चरणों में 6.7% मतदान हुआ है। मुश्ताक अहमद आंत्रे, आकाशवाणी समाचार, श्रीनगर। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने रोजमर्रा की अदालती कार्यवाही में हिंदी अथवा क्षेत्रीय भाषाओं के इस्तेमाल पर बल दिया है। वे आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय में आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार न्यायाधीशों के रिक्त पदों पर तेजी से भर्ती कर रही है। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालयों में 350 से अधिक नई नियुक्तियां की गई हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि चुनाव संबंधी अपराधों के मामलों की सुनवाई के लिए अलग अदालतें बनाई जानी चाहिए और ऐसे मामलों का निपटारा समयबद्ध तरीके से होना चाहिए। श्री नायडू ने कहा कि दल बदल कानून में भी सुधार की आवश्यकता है। ओडिशा में तितली तूफान के बाद मूसलाधार बारिश से गंजाम, गजपति और रायगढ़ जिलों में बाढ़ की स्थिति लगातार खराब हो रही है। भारी वर्षा के कारण रायगढ़ जिले के एक दूर दराज के गांव में भूस्खलन में 12 लोग मारे गए। इस बीच मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने बाढ़ प्रभावित गंजाम, गजपति और रायगढ़ जिलों का आज हवाई दौरा किया। उन्होंने बताया कि प्रभावित इलाकों में बिजली और पानी की आपूर्ति बहाल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस बीच तूफान पूर्वोत्तर दिशा की ओर बढ़ गया है। मौसम विभाग ने तूफान के असर से अगले 24 घंटों में असम, मेघालय, नागालैंड और मणिपुर में कई स्थानों पर तेज वर्षा होने की चेतावनी दी है। बंगाल की खाड़ी से लगे पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटीय क्षेत्र में मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। हेलो अंकल। हाँ बेटा। ये दीवार आपकी है? नहीं तो? तो आप इसे गीला क्यों कर रहे हैं? और इसे गंदा नहीं साफ रखने की जिम्मेदारी है आपकी। अच्छा, आपके पास मोबाइल है? हाँ है ना। तो नियरेस्ट टॉयलेट गूगल मैप्स पर ढूंढो ना, और देश की दीवारों को गंदा मत करो। चलो अब सॉरी बोलो। सॉरी बेटा सॉरी। स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 में अपने शहर को आगे बढ़ाएं। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा जनहित में जारी। अरे अजय भाई, आपका बेटा राहुल नहीं दिखाई दिया आज? भारद्वाज जी वो किचन में है, खाना बना रहे हैं। किचन में क्यों, कोमल बिटिया का है? कोमल बेटी तो बाहर है, कुछ घर का सामान वगैरह लेना था तो दफ्तर से लेती आएगी। म,
मतलब बेटी बाहर और बेटा किचन में। अजय जी ये क्या कर रखा है? कुछ खास नहीं जी, बेटियों और बेटों को बराबर बना रखा है। बेटों और बेटियों में फर्क क्या करना? बेटियों के पंखों को खुलने दीजिए, उन्हें उड़ने दीजिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। भैया जी सारी तैयारी कर ली अपने गोपाल की शादी की? बात की भैया जी, ऐसी बातों में मर्दों का क्या काम? जब बहू आएगी तो उसे पूछेगी बुढ़वा कि परिवार नियोजन का कौन सा तरीका अपनाना है, तो क्या कहे? सिर्फ शादी नहीं, शादी के बाद के समझदारी की तैयारी करो। सेहत और सोच दोनों से तैयार होकर परिवार बढ़ा रहा है इंडिया। परिवार नियोजन से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए फोन करें टोल फ्री नंबर 1800116555 पर, या लॉग इन करें hamdo.nhp.gov.in पर। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। पहले ये बताओ हाथ किस किसने धोया है? किसी ने नहीं। चलो तुम्हारे हाथों में जादू चलाते हैं। हे, सबसे पहले होता है हाँ, फिर हाथ पे नाचे चपा हाथ पे होता, फिर और फिर घूम के आगे पीछे है, खेलो 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 तब, और फिर चलाओ नाखूनों का हाथ करे फिर पानी में छम 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 छम, क्योंकि सांप हाथ में ही है दम। बच्चों अपने हाथों को सही तरीके से साफ करो, खास करके खाने से पहले, और साफ हाथों का दम आजमाओ। साफ हाथ में दम है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। नेपाल में गुर्जा पर्वत के आधार शिविर से 8 पर्वतारोहियों के शवों को निकालने का अभियान खराब मौसम के कारण फिलहाल रोक दिया गया है। इस शिविर के कल बर्फीले तूफान की चपेट में आने के कारण इन पर्वतारोहियों की मौत हो गई थी। इस दल में 5 दक्षिण कोरिया के और 3 नेपाल के गाइड थे। पुलिस सूत्रों ने बताया कि पर्वतारोहियों के शवों को आज सुबह एक बचाव दल ने शिविर के मलबे में देखा। नेपाल का एक गाइड अब भी लापता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा है कि सभी मतदान मशीनें पूरी तरह सुरक्षित हैं और उनके साथ किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। आकाशवाणी से विशेष भेंट में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ओपी रावत ने कहा कि 5 राज्यों के आगामी विधानसभा चुनाव में मतदान पुष्टि पर्ची वीवीपैट मशीनें भी इस्तेमाल की जाएंगे। उन्होंने बताया कि इन चुनावों के लिए आयोग पूरी तरह से तैयार है। भारत निर्वाचन आयोग जहां भी ये चुनाव कराने होते हैं, जिन जिन राज्यों में कराने होते हैं, उनका पूरा अधिकारी लेवल पर विजिट करके और फिर बाद में पूरे कमीशन के तौर पर वहां जाकर खुद निरीक्षण करके देख लेते हैं कि वहां तैयारियां पूरी हो गई हैं, संतोषजनक हैं, तभी वहां पर फिर इलेक्शन के प्रोग्राम की घोषणा करते हैं। तो तैयारियों से पूरी तरह संतुष्ट होकर ही चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की गई है और मुझे पूरा भरोसा है कि तैयारियां पूरी पक्की हैं। ये भेंट वार्ता अंग्रेजी में रात 9:15 एफएम गोल्ड चैनल और राजधानी चैनलों पर सुना जा सकेगा। नागालैंड में किफिरे जिले के दूर दराज के इलाकों में महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना वरदान साबित हुई है। इस योजना ने अत्यंत गरीब परिवारों की महिलाओं को खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराया है। प्रस्तुत है हमारे कोहिमा संवाददाता की ये ग्राउंड रिपोर्ट। किफिरे जिला नागालैंड के सबसे दूरस्थ जिलों में से एक है। इस योजना के अंतर्गत जिला प्रशासन और नोडल एजेंसी के सामने रसोई गैस उपलब्ध करवाने की चुनौती थी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत अब तक 41 लक्षित गांवों और कुछ गैर लक्षित गांवों के 704 परिवारों को लाभान्वित किया गया है। किसेतोंग गाँव की यांग्री सेला इस योजना के बारे में कहती है, मुझे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की गांव के लोगों से जानकारी मिली। गांव के लोगों ने बताया कि महिलाओं को इस स्कीम में फ्री में गैस कनेक्शन दिया जा रहा है। मेरे गांव में करीब 60 महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन मिला है। मुझे इससे काफी फायदा हुआ है। मैं काफी खुश हूँ, समय की बचत हो रही है, प्रदूषण से भी राहत है। एलपीजी गैस कनेक्शन के साथ ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के बाद जिले में इन महिलाओं की जीवन शैली में सुधार हुआ है। लिपि चेंग संताम के साथ मैं शाहू पाटोले और असुन वो आकाशवाणी कोहिमा। ये समाचार आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं। कुष्ठ रोग किसी को भी हो सकता है, चाहे वो किसी भी धर्म, लिंग,
सामाजिक आर्थिक स्तर का हो, इसका संपूर्ण इलाज उपलब्ध है। कुष्ठ रोगी के हाथ, पैर और चेहरे पर आई विकृतियों को ऑपरेशन द्वारा ठीक किया जा सकता है। केंद्रीय कुष्ठ प्रभाग स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अमर कब क्या हुआ? पापा को हार्ट अटैक आया है। वॉलेट कहाँ गया? एयरपोर्ट पे एंट्री कैसे होगी बिना आईडी? एक काम कर, अपना फोन दे, जल्दी से अपना आधार नंबर डाल। यार ये एम आधार चलेगा? अरे दौड़ेगा दौड़ेगा, चल चल फटाफट संभाल के जा। जी पाजी, ये आधार कार्ड अगर खो जाए तो इतनी जल्दी मिल जाता है क्या, वो भी मोबाइल पे? हाँ पाजी मिल जाता है। ओ यार ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। तो अभी सोच लो, फायदे में रहोगे पाजी। एम आधार डाउनलोड करो कभी भी कहीं भी। ये आकाशवाणी है। ओलंपिक में पदक जीतने की संभावना वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए टारगेट ओलंपिक पोडियम कार्यक्रम के तहत आज नई दिल्ली में 35 जाने माने एथलीट के लिए कौशल कार्य योजना का आयोजन किया गया। खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कार्यशाला का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि ब्रांड बन जाने के बाद खिलाड़ियों में सभी स्थितियों से निपटने की क्षमता होनी चाहिए। इसमें इन सभी चीजों के बारे में मीडिया से किस तरह से बातचीत करनी है, स्पॉन्सरशिप्स जब आती हैं तो उसको किस तरह से हैंडल करना है, आपको एकदम से फेम मिलता है तो उसमें अपने आप को किस तरह से संभाल के रखना है, कौन सी ऐसी चीज है जो पहले खिलाड़ी हैं जो जीत चुके हैं हार चुके हैं उनके तजुर्बे से कुछ सीखा जा सके, इस तरह का एक माहौल बनाया है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार। भारत ने जकार्ता में एशियाई पैरा खेलों में आज 2 और स्वर्ण पदक जीतकर अपना अब तक का शानदार प्रदर्शन किया। पैरा बैडमिंटन की SL3 सिंगल्स स्पर्धा में प्रमोद भगत ने और SL4 स्पर्धा में तरुण ने स्वर्ण पदक हासिल किए। भारत 15 स्वर्ण सहित कुल 72 पदक लेकर 9वें स्थान पर रहा। पैरा खेलों में भारत का ये अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। उधर मलेशिया के जोहर बारू में सुल्तान जोहर कप जूनियर हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में भारत को ब्रिटेन से 3-2 से हार का सामना करना पड़ा। हाफ टाइम तक दोनों टीम 1-1 गोल की बराबरी पर थी। इधर हैदराबाद में वेस्टइंडीज के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारत ने 4 विकेट पर 308 रन बना लिए थे। दिन का खेल समाप्त होने के समय ऋषभ पंत 85 और अजिंक्य रहाणे 75 रन बनाकर क्रीज पर थे। इससे पहले वेस्टइंडीज की पूरी टीम 311 रन बनाकर आउट हो गई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शास्त्रीय संगीत कलाकार अन्नपूर्णा देवी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। अपने संदेश में श्री कोविंद ने कहा कि वे विलक्षण प्रतिभा की धनी थीं और उनका जीवन महिला कलाकारों को हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। अन्नपूर्णा देवी का निधन आज तड़के करीब 4 बजे मुंबई के एक अस्पताल में हुआ। वे 91 वर्ष की थीं। अलाउद्दीन खान की पुत्री और शिष्या अन्नपूर्णा देवी हिन्दुस्तानी शास्त्रीय संगीत की भारतीय सुरबहार की वादक थीं। वे प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर की पत्नी थीं। केंद्रीय वस्त्र राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कहा है कि मंत्रालय मेघालय के नांगपो और इभुई जिले में वस्त्र पर्यटन परिसर के निर्माण के लिए 7,80,00,000 रूपये की धनराशि जल्द ही जारी करेगा। आज शिलंग में श्री टम्टा ने कहा कि NBCC ने 14 करोड़ रूपये की लागत से राज्य में एक परिधान केन्द्र का निर्माण पूरा कर लिया है। श्रीलंका में 50 आदर्श गांवों में भारत की मदद से 1200 मकान बनाने के लिए आज 2 सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए गए। इन मकानों के निर्माण के लिए भारत श्रीलंका को 60 करोड़ श्रीलंकाई रुपए की मदद देगा। इसके साथ ही आदर्श ग्राम आवास कार्यक्रम के तहत श्रीलंका के 100 आदर्श गांवों में भारत की मदद से बनाए जाने वाले कुल मकानों की संख्या 2400 हो जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जम्मू कश्मीर में स्थानीय निकाय चुनाव के तीसरे चरण का मतदान संपन्न हो गया है। जम्मू संभाग में 81% से अधिक और कश्मीर घाटी के उड़ी में 75% से ज्यादा मतदान हुआ। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अदालतों में हिंदी अथवा क्षेत्रीय भाषा के इस्तेमाल की आवश्यकता पर बल दिया है। नेपाल के गुर्जा पर्वत आधार शिविर में भारी बर्फीले तूफान में 8 पर्वतारोहियों की मौत हो गई है। जकार्ता पैरा एशियाई खेलों के अंतिम दिन आज भारत ने 2 और स्वर्ण पदक जीते। पदकों की कुल संख्या 72 हो गई है। और मलेशिया में सुल्तान जौहर कप जूनियर हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में ब्रिटेन ने भारत को 3-2 से हरा दिया है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।